हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिमिंग। पांचवी वीडियो मतलब पांचवा ब्लॉग है आज। मैं वीडियो जो है स्टार्ट इधर से ले रहा हूँ क्योंकि घर आपको मैंने दिखाया हुआ है, तो दो तीन वीडियो में मैं घर से स्टार्ट ले रहा हूँ। वैसे दूसरी वीडियो है मैंने जो इधर से स्टार्ट किया। तो अभी हम आए दोस्त के पास और हमारा सीन बना है पार्क जाने का। तो आपके वो पार्क के जो है वो दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है पार्क, और फिर घर जाके दिखाएंगे, नाम भी बताएंगे। बस दोस्त का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आ जाता है बस ये आ गया दोस्त। भाई निकले भाई, इस जगह पे इंटरव्यू के पैसे लगेंगे याद रखना। इंदर आज तो आपको मैं नहीं दे रहा पैसे, आप दोस्त इसलिए छोड़िए। तो फाइनली जो है हम आ गए हैं डील पार्क में आ गए, और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल हरियाली हरियाली है हर तरफ जो है ना। बस यहाँ पे पानी की कमी है, पानी होता तो और अच्छा व्यू हो जाता थोड़ा। और वॉकिंग का एरिया भी बना हुआ है इधर, बंदा जो है वो जॉगिंग कर सकता है, जॉगिंग के लिए बना हुआ है सर। और छोटे बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं इधर ग्रास पे, एक ग्रास टाइप की बनी हुई है। और आपको दिखाते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं स्पॉट और आपको दिखाते हैं। तो अभी हमें कोने की साइड पे, आपने अभी जो वीडियो दिखाई थी आपको उसी बीच की साइड पे, तो ये कोने का व्यू जो है वो ऐसा कुछ दिखता है। और यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग वगैरह ट्रैकिंग बना हुआ है, सही है ना। तो जी अभी हम थे बीच वाली साइड पे, जैसे कि आपने देखा था याली साइड पे थे, फिर हमने कोने का जो है वो कवर कर लिए। अब हम आ गए हैं इस साइड पे, दरख्त वाली साइड पे। मतलब झील पार्क जो है अच्छा खासी बड़ा है और ट्रैकिंग एरिया भी बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जहाँ पे लोग अभी आए हुए हैं जॉगिंग करने के लिए, और फिर आपको और आगे चल के दिखाते हैं, उधर का दिखाते हैं क्या सीन है। बात तो सुनो आपने। तो अभी ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, इसके साथ लगाते हैं हम पुशअप चैलेंज, देखते हैं कौन कितने कर पाता है। हाँ भाई समझ, भाई लगाते हैं यहाँ पुशअप चैलेंज, लगाते हैं कौन कितने करेगा। सही है पुशअप होंगे नहीं, मेरे को शौक ही नहीं किसी के झुकने है भाई। हेड टिल कर लेते हैं, सही है ना भाई। मैं एक बार मैंने कर लिया, मैं जीत गया। अब तुम फजूल में पंचायती करो, अब फजूल में तुम नखरे कर रहे हो, तुम्हें करने नहीं है यार। तुम करो, तुम जितने करोगे उसके बाद मैं सोचूंगा मैंने करना है नहीं करना। भाई मैं बोल रहा हूँ हेड टिल कर लेते हैं, सही है ना। अगर जो हेड टिल जीता ना, जो टॉस जीता वो बाद में करेगा, जो हार गया वो पहले करेगा, सही है। चलो भाई आ, क्या है आपका? मेरा हेड, मेरा टेल पहले है तमीज से बोल रहा भाई, टेल आ गया। अब मैं जीत चुका हूँ, अब बारी आपकी है। चलो मैं स्टार्ट हो मेरे जाए, से नहीं होगा बस क्या इधर ही होगा? कर लो, इधर ही खैर है, ये साफ जगह है और क्या। दो तीन से ज्यादा पूछा तो बस नहीं दो होगा। तीन हो जाए, खैर है, मतलब नहीं है। आए हाय बिस्मिल्ला, एक, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। बस भैया नहीं सही बेटा, कर आपकी लिया इसने जिंदगी यार, के लिए दस कर मैंने लिया। किया मुझे दस बोल रहा है कि मैं दो तीन करूँगा, अब देखो मेरा क्या होता है, मुझसे लगते हैं 10 नहीं लगते यार। तो भाई अब बारी जैसे कि मेरी है, संबंध कर लिए इसके 10 हुए, अब देखते हैं मैं कितने कर पाता हूँ। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। अबे भतीजिया ये तू एक के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, मैं तो 11 कर लिया, मैं नहीं दस तो करे थे दस ना के बाद ज़रूरी है 11 ही करने थे, जितने तुमसे भाई। हो रहे थे उतने तो करते हो। भाई आपने 10 करे ना, मैंने आपको मतलब कह आप दिया मेरी 11 कर एक लिए। से जीतो, इतना क्लोज गए आप बस। भाई आपने 10 करे, मैंने आपसे एक ज़्यादा कर लिया, बस जीत गए। मेरे तो हाथ में तकलीफ है, मेरा इधर हड्डी टूटी हुई, इसलिए मैंने 10 किया, वरना मैं 100 भी कर लेता सेकंडों में। हाँ हाँ क्या सही बोल रहे हो। मतलब अब है जैसे क्रिकेट में स्कोर हो गया 31 रन का टारगेट मिल रहा, हम 36 रन यार थोड़ी ना तो बनाएंगे, भाई हम बंदूक तो भाई 31 रन ही बनाएंगे ना। जरूरी थोड़ी 31 पे सिंगल ही लेना, चौका मार दो 35 हो जाएंगे भाई। नहीं मैं 36 की बात कर रहा जब हूँ, देख आपकी मैं 36 कैपेसिटी की है बात वो नहीं कर रहा करो, जरूरी नहीं है भाई। कि भाई जीत गए तो बस जीत गए। मैं जीत गया हूँ, ये फजूल की मेहनत बकवास कर सुनो, रहा हूँ, कुछ नहीं है, जीत चुका हूँ इंसान की मैं। मेहनत होनी चाहिए, जीत जरूरी नहीं है सिर्फ, जीत तो हमेशा मिलती रहती है, आदमी हार के भी जीतता है अगर वो मेहनत करे ना, समझे? काट दो शाबाश, भाई बहुत आपके अच्छी लाइन सामने आ की रही है। बात है ना, मैं कर चुका हूँ, मैंने 11 कर लिया, अरे बात आपने सुनो, देखा सही है, और उसने 10 करे। बात सुनो, तो फिर आगे देखते हैं, आपको आगे का बात व्यू सुनो, दिखाते बात हैं थोड़ा और सुनो, आगे आगे। सेंटर लाइन अभी जो हमने इधर से ही आए थे झील वीडियो पार्क के बनने कोने दो, से ना, तो हम इधर आए और हमने देखा कि इधर पूरा ना ग्राउंड टाइप का बना हुआ है, बेहतरीन ग्राउंड बना हुआ है, पूरा गोल ग्राउंड बना हुआ है। छोटा तो है, छोटा तो है, लेकिन जो है वो सही है खेलने के हिसाब से। लेकिन इधर जो है ना वो मिट्टी वट्टी डली हुई है इधर, इस पर कोई काम वाम नहीं है, इस पर मट्टी डाली हुई है, मतलब खेलने से मना करा हुआ इन्होंने सीधे बात। और अपना फिर देखते हैं, फिर कहीं और चलेंगे, कहीं और का सीन बनाएंगे, हार्ड बॉल क्रिकेट आपके का, ये फैमिली व्लॉग है जो ना? कि आप देखेंगे।
हाँ ये फैमिली। बाकी ये देखें, ये जो बिल्कुल बाउंड्री के हिसाब से जा रहा है, पूरे गोल घुमा हुआ है और बीच में पिच बनी हुई है। बेहतरीन हो जाता हमारा हार्ड बॉल का क्रिकेट जो है ना इधर, लेकिन जो है मट्टी डाली, मतलब मना ही करा हुआ एक तरीके से, एक तरीके से मना ही करा हुआ कि कोई आए ना खेलने के लिए। हर बार मुंह से मना किया जाए, क्या चीज़ जरूरी हर बार मुंह से मना किया जाए। हाँ ये भी है, ज़रूरी हर बार मुंह से मना कराया जाएगा भी मट्टी डाली है पिच पे। वही इन्वेस्टमेंट आपने, नहीं यार मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यार पैसे ले लो आप हमसे, हमें खेलने हो ताकि हमारी वीडियो बेहतरीन बन जाएगी। यार बताने जा रहे हो आपके पास ही सिर्फ हार्ड बॉल नहीं, मैं किटें पड़ी हुई हार्ड बॉल की। पाकिस्तान क्या कर रहा है हार्ड बॉल में? हाँ अफगानिस्तान से तो हार गई, आप क्या करोगे हार्ड बॉल में जाके? छोड़ो भाई घर वालों के लिए पैसे कमाओ, 20-22 हज़ार की नौकरी करो, क्रिकेट में कुछ भी नहीं रखा हुआ। भाई वैसे ग्राउंड जो है बेहतरीन और ज़बरदस्त बना हुआ है, बस बाउंड्री थोड़ी छोटी है, बच्चों के हिसाब से बेहतरीन है। सही है, बाउंड्री छोटी है, कोई 30 कदम की बाउंड्री होगी इसमें, कोई ज़्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं है। मतलब टेस्ट मैच बंदा खेले तो अच्छे तरीके से खेल सकता है, और ग्रास भी बनी हुई है, बंदा डाइव भी मार सकता है आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन छोटा बहुत है, और वो जो है काम भी चल रहा है पिच की तरफ जो है ना, वो जो स्पोर्ट्स अकेडमी लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे उधर जो है वो काम वाम चल रहा है। दिखा देता हूँ आपको जूम करके, ये इधर जो है वो काम चल रहा है पिच पे, इधर बराबर पिच पर एक और बना रहे हैं ये, तो फिर देखते हैं, फिर इधर वापसी चक्कर लगाएंगे एक आध दिन में, फिर देखते हैं क्या सीन है। अगर इजाज़त दी उन्होंने, परमिशन दी, तो आपके लिए ज़रूर इधर वीडियो डालेंगे बना के, हार्ड बॉल की टेस्ट मैच दिखाएंगे, बेशक हम वो नहीं दिखाएंगे। और संडे को तो वैसे ये बुक होगा, हफ्ते वाले दिन देखेंगे, बात बात करेंगे इनसे कि वो कर लें कुछ अरेंजमेंट कर लें और हमें खेलने में, बात बात करते हैं इनसे देखते क्या होता है। ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं पूरा झील पार्क का, और फिर निकलते हैं हम नाश्ते के लिए, नाश्ता भी करते हैं। आइए ऊपर से चलते हैं, अभी व्यू दिखाते हैं आपको। तो ये है व्यू झील पार्क का, देख लें आप। तो इस व्लॉग को लगाते हैं यहीं पे एंड फुल स्टॉप, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो पे नए कंटेंट के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। तो बेल आइकन भी होगा सब्सक्राइब बराबर में बटन की में, वही दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिएगा, सही है। और जिसको वीडियो अच्छी नहीं लगती वो भी लाइक करके जाए, सही है। ओके अल्लाह हाफिज़।